श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करेष्यामि सिद्धिर भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 12 नवंबर 2022 का दिन है, दोपहर के 1:50 हो रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीकेंड एडिशन वीडियो में, जहां पर हम बनाते हैं आने वाले हफ्ते के लिए क्या होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी कहां करना चाहिए, बाय कहां करना चाहिए, सेल। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया है, हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं किया है, तो बहुत से इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप मिस करते हैं। जैसे कि एक सबसे जरूरी चीज जो आप मिस करते हैं वो है वीकली लेवल्स। देखिए हर हफ्ते के, ये पिछले 6 नवंबर को मैंने डाला था गोल्ड में ट्रेंड शिफ्ट लेवल, मैंने डाला था गोल्ड में, मैंने जो मैजिकल फिगर डाली थी ट्रेंड चेंज की वो 50,400 की थी। 50,400 के नीचे अगर गोल्ड सस्टेन करता तभी वीक था, और आप देखेंगे 50,600 का लो लगा है और मार्केट वहां से घूम गई है। सेम सिल्वर के अंदर भी 59,400 का लेवल मैंने पोस्ट किया था और मार्केट जो है वो 60,000 से पलट गई, 60,000 लो था, और जो ऊपर में थर्ड रेजिस्टेंस हमने 63,100 का दिया था तो 62,800 का हाई मार्केट ने लगाया और वहां से वापस पलटते हुए दिखाई दी। वहीं अगर आप इंटरनेशनल लेवल चेक करेंगे तो जो लेवल्स मैंने दिए थे एग्जैक्टली मार्केट उनको होल्ड करते हुए दिखाई दी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये लेवल्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कब कौन सा डेटा आने वाला है, कब क्या टाइमिंग होने वाली है, वीडियो अपडेट्स, ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इस कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसे सर्च करके, और सबसे आसान तरीका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं गोल्ड के बारे में बात करते हैं। गोल्ड में तेजी तेजी और सिर्फ तेजी, कहां से आएगी गिरावट? दोस्तों केवल तेजी हुई है पिछले हफ्ते, और आपको ये जानकर बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि पिछले 30 महीनों की ये सबसे बड़ी तेजी है गोल्ड के अंदर। जी हां, बिगेस्ट गेन इन 30 मंथ्स गोल्ड की हम बात कर रहे हैं, और 30 मंथ्स की ये सबसे बड़ी तेजी है जो इस वीक गोल्ड बढ़ा है। $92.8 की बढ़त होते हुए हमें गोल्ड के अंदर दिखाई। इससे पहले जो जंप था, सबसे बड़ा जंप था, वो था लगभग 6.5% का, और वो था April 3, 2020 को। जी हां, April 3, 2020, ये उस हफ्ते में था। तो आप समझ सकते हैं लगभग $92.8, $5.5%, एंड इट वॉज द ह्यूज जंप। और जो फिनिश हुआ है $1,760 के आसपास, यानी फ्राइडे को भी गोल्ड 1% के आसपास बढ़ा है, $16 के आसपास हमें बढ़ती हुई गोल्ड में बढ़त आते हुए दिखी। अब इसके जो दो रीजंस हैं, जो सबसे मेरे हिसाब से तीन मेन रीजन हैं इसके, सबसे जो फर्स्ट रीजन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है CPI का। CPI 7.7% आया है, इन्फ्लेशन जो फेड का सबसे बड़ा कंसर्न था, एक्सपेक्टेशन थी 8% की और प्रीवियस था 8.2%। ये जो डेटा है ये अक्टूबर का बता रहा हूं मैं आपको, ये वाला, मतलब
जो फेड कर रहा है 0.75% का रेट हाइक तीन बार चार बार हो चुका है, उससे थोड़ा सा इन्फ्लेशन कंट्रोल होते हुए दिखा। दूसरा, क्रिप्टो में भारी गिरावट आई। आपको पता है 15,000 आ गया बीटीसी बिटकॉइन, और पूरे क्रिप्टो मार्केट में 25-50% की गिरावट हमें आते हुए दिखी। ये दूसरा रीजन है। और तीसरा रीजन क्या है, थर्ड रीजन क्या है, ये मैं बताता हूं आपको। थर्ड रीजन है डॉलर इंडेक्स में गिरावट। डॉलर इंडेक्स $107 के आसपास आ गया है। जी हाँ, $107 के आसपास आ गया है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इस गोल्ड के राइज का। तो ये तीनों चीजें फेवर में गई हैं और इसी वजह से हमें ये इतनी बड़ी बढ़त देखने के लिए मिली। तो जो डॉलर इंडेक्स है वो 106 पे ट्रेड कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट था 109 का, ये इसने ब्रेक कर दिया। ये तीन मेजर रीजन है जिसकी वजह से $93 का गेन देखने के लिए मिला, जो कि 5.5% बैठता है। ये तो रुपए ने थोड़ी मदद करी, तो उसकी वजह से इंडियन मार्केट में हमें उस तरह का गेन नहीं देखने के लिए मिला। फिर भी अगर आप देखेंगे तो 50,600 का लो लगा के और 52,500 तक मार्केट आई है, तो ये भी एक सब्सटेंशियल गेन है। लगभग 2000 पॉइंट का गेन हुआ, बट इंटरनेशनल मार्केट के कंपैरिजन में इंडियन मार्केट में गेन थोड़ा सा कम हुआ है। तो अब आपको समझ में आ गए जो तीन रीजन है इस गेन के। सीपीआई का डेटा, जिससे कि ये उम्मीद जगी है कि जो फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक का साइकिल है वो थोड़ा कम होगा, हो सकता है इंटरेस्ट रेट हो भी तो अब 0.75% की जगह 0.5% होता हुआ दिखाई दे, बट ये एक स्टैंड अलोन डेटा है, देखना पड़ेगा एक दो महीने इन्फ्लेशन का कर्व क्या रहता है। फिर क्रिप्टो की बात कर लें हम, तो क्रिप्टो में जो एक बड़ी गिरावट हुई है, एक जो एक्सचेंज है FTX, उसने डिफॉल्ट किया है हेडिंग फॉर बैंकरप्सी। जितने भी पैसे थे उसके पास, वो किसी के भी जो विड्रॉल्स है उनको ऑनर नहीं कर पाया, एंड दैट वाज द मेन रीजन व्हाई बिटकॉइन फेल ओवर 20-25% इन अ सिंगल वीक। ये एक दिन में ही हो गया था, जिस दिन जो बिनांस और FTX की डील थी वो नहीं हो पाई, मना कर दिया। जब बाइनेंस को पता लगा कि वो अपने जो जो रिक्वेस्ट हैं विड्रॉल्स की उनको ऑनर नहीं कर पा रहा है, तो उसने मना कर दिया। तो आप समझ सकते हैं क्रिप्टो करेंसी से जो पैसा निकला उसने गोल्ड को चेस किया। हमेशा ये होता है कि जो एसेट क्लास है वो चेस करता है नेक्स्ट को। तो ये तीन वजह थी। अब बात करते हैं वापस कि आगे क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, कहां से आएगी गिरावट, आएगी या नहीं आएगी, मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाएगी, ये सब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये है दोस्तों चार्ट, और अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ये 5 कैंडल हैं, इसमें से ये एक सेकंड कैंडल में, ये जो कैंडल है 8-11 की, इस कैंडल में एक गिरावट आपको देखने की। मंडे की कैंडल है 51,060 और 50,830। उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल है वो ट्यूसडे की कैंडल है, आप देखेंगे 50,606 का लो है और 51,685 का हाई है, और उसके बाद आप देखेंगे 52,534 का 52,534 का लो है और 52 हाई है और 52,050 का ओपनिंग लो है। तो ये चारों कैंडल गोल्ड में तेजी बनाते हुए दिखाई दी हैं। ये जो था वो एक पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन आप कह सकते हैं, ये वाला एक पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन था। इस कैंडल से हमें ब्रेकआउट मिला, जो ब्रेकआउट पूरे हफ्ते कंटिन्यू हुआ है। अब अगले हफ्ते के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि जो नेक्स्ट डेली कैंडल खुलेगी वो कहां पर खुलती है और वो इस हाई को कितना रिस्पेक्ट करती है। तो एक बार हम वीकली चार्ट को खोल लेते हैं और इस वीकली चार्ट को हम देखते हैं कि किस तरह की मूवमेंट हुई है। 52,534 का हाई है, 50,600 का लो है, लो बना था ट्यूसडे को और हाई बना था फ्राइडे को,
और मार्केट अपने हाई के आसपास, वीकली हाई के आसपास बंद हुई। अब ये कैंडल जो थी 52,120 और ये कैंडल देखिए जिसमें 51,685 का हाई बनाया और 50,174 का लो बनाया, कुछ कुछ आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट वीक में क्या होगा, अगर हमें ये कैंडल इसके टॉप को रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई देती है, ये जो टॉप बना है ये रिस्पेक्ट होता है, कौन सा टॉप, 50,600 का टॉप अगर रिस्पेक्ट होता है, ब्रेक नहीं होता, तो चांसेस हैं कि मार्केट अपने सपोर्ट को टेस्ट करने आएगी। और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट मुझे दिखाई देता है वो अभी के समय में आएगा लगभग लगभग 51,800 के आसपास, 51,800, या अगर एक ट्रेंड शिफ्ट लेवल बोलूं, जो ऊपर में ट्रेंड शिफ्ट लेवल था वो था 51,680 का, 51,680। तो अगर कैंडल या मार्केट हमें नीचे की तरफ खुलती हुई दिखाई देती है और 52,600 को रिस्पेक्ट करती है, मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसान रहे, मुश्किल ना हो। देखिए, अगर 52,620 को होल्ड करता है मार्केट मंडे को, इसके नीचे रहता है, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक बार 51,680 तक मार्केट आएगा। लेकिन लेकिन जो असली कमजोरी होगी वो 51,680 के नीचे होगी, 51,680 के नीचे। ये एक करेक्शन हो सकता है, मैं यहां पर बाइंग करने की सलाह बिल्कुल अभी नहीं दूंगा, लेकिन हां, मार्केट अगर 51,680 को होल्ड कर रहा है तो मार्केट बीओडी होगा, बाय ऑन डिक्लाइन। जी हां, 51,680 अगर होल्ड होता है तो मार्केट बीओडी कहा जाएगा, बाय ऑन डिक्लाइन कहा जाएगा। वहीं पर 52,620 मैजिकल लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, सुप्रीम लेवल है सेलर्स के लिए, और 51,680 इंपॉर्टेंट लेवल है बायर्स के लिए, याद रखिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला सपोर्ट मिलेगा 52,070 के आसपास, फर्स्ट। सेकेंड सपोर्ट होगा 51,800 के पास, और थर्ड सपोर्ट होगा 51,300 के पास। ये वीक के लिए तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा 52,620 के आसपास, दूसरा होगा 52,790 के पास, और तीसरा और सबसे जरूरी उसके ऊपर जो फाइनल होगा वो थोड़ा दूर है, 53,290 के आसपास, 1, 2 और 3। ये तीन रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिए, 1, 2, 3, ये तीन आपको सपोर्ट बता दिए, बीच का लेवल बता दिया, ट्रेंड शिफ्ट लेवल आप इसको कह सकते हैं, इसके ऊपर बीओडी और इसके नीचे होगा सेल ऑन राइज। 52,620 को अगर होल्ड करता है तो आप एक सेल का रिस्क ले सकते हैं, एसएल 150-200 पॉइंट, या जो पहला रेजिस्टेंस मैंने आपको दिया है इसके आसपास का स्टॉप लॉस डाल दीजिए, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मत डालिएगा, लेकिन 52,620 आपको देखना है। मंडे को मार्केट किस तरह से बिहेव करती है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फ्राइडे में हमें जो फ्राइडे का सेकेंड सेशन था वहां पे हमें थोड़ी सी गिरावट आते हुए दिखाई दी है, बट वो वापस रिकवर हुई है, तो देखना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा छोटे चार्ट पे जाओगे तो आप देखोगे कि जो सेकंड सेशन था यहां पर, फर्स्ट सेशन तक मार्केट कंप्लीटली बाय में ही थी, कंप्लीट बाय था, हर कैंडल बाय का, फिर एक हमें रेड कैंडल बनती हुई दिखी है, मार्केट इस लाइन के ऊपर क्लोज हुई है, देखिए ये जो लाइन आपको दिख रही है इसके ऊपर क्लोज हुई है, अगर इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो हम मान सकते हैं कि एक सेलिंग कंटिन्यू होते हुए दिखाई देगी। जो कैंडल बनी है वो किस तरह से बिहेव करती है मंडे को, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये बात आप याद रखिए, मंडे तक, मंडे को मार्केट किस तरह से खुलती है, और डेली कैंडल को जरूर वॉच करिएगा, जो मैंने आपको समझाया है कि जो हाई है प्रीवियस
इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन नहीं करती है और इस तरह की कैंडल फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देती है, अब जैसे ये जो कैंडल थी, जो ये कैंडल बनी थी मंडे वाली, ये कैंडल एक डिक्लाइन डिनोट कर रही थी, बट मार्केट ने उसको ऑनर नहीं किया। अब जो वीकली रेजिस्टेंस थे वो ब्रेक हो गया है। मुझे क्या लगता है कि मार्केट अगर 52,600-52,700 को रिस्पेक्ट करती है तो एक डिक्लाइन मिल सकता है। यहाँ बाइंग करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। सेलिंग के लिए आप 52,620 फिर कह रहा हूँ, ऑब्जर्व करिए, होल्ड होता है ट्राई कर सकते हैं। बाइंग करने की सलाह मैं अभी नहीं दूंगा। बाइंग करना है तो गिरावट का वेट करिए। जो सपोर्ट्स मैंने दिए हैं वहाँ पर आप बाइंग का रिस्क ले सकते हैं, बट सेलिंग जो है उसके लिए ब्रेक डाउन का इंतज़ार करिए, क्लियर ब्रेक डाउन का इंतज़ार करिए, या जो रेजिस्टेंस मैंने बताए हैं वो होल्ड होते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना चार्ट रेफरेंस ज़रूर अपने पास रखिएगा, ताकि आप फंसे नहीं, ताकि आप गलत हों तो आपको दिक्कत ना हो। ये है दोस्तों गोल्ड के ऊपर मेरी राय, गोल्ड के ऊपर मेरे लेवल्स। अगर ये लेवल्स आप चाहते हैं इस तरह से, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लेवल्स डालने वाला हूँ, कॉमेक्स के भी डालूंगा, इंडियन मार्केट के भी डालूंगा। तो अभी के अभी टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है श्योर शॉट फार्मूला फैमिली, सब्सक्राइब कर लीजिए, रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे, न्यूज़ इवेंट्स क्या आने वाले हैं उसका अपडेट मिलेगा, चार्ट और ट्रेंड क्या कह रहे हैं उसका अपडेट मिलेगा, कौन कौन से डेटा आने वाले हैं उसका अपडेट मिलेगा। ये सारे अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, कोई भी चार्जेस नहीं हैं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे सिल्वर के, लेकिन सिल्वर का वीडियो कितना जल्दी आएगा ये आपके हाथ में होगा। आप जितने लाइक्स करेंगे, जितने शेयर करेंगे, जितने सब्सक्राइब करेंगे, उतनी ही जल्दी सिल्वर का वीडियो मैं डाल दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।